अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गया, साथ में दुर्योधन भी गया। दोनों भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बोले, आओ भैया कैसे आए? बोले, महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप किसके पक्ष में रहेंगे, दुर्योधन के पक्ष में कि मेरे पक्ष में? भगवान बोले, हम एक का नाम लेंगे तो फिर हम पक्षपाती माने जाएंगे, एक नियम रख देते हैं। क्या? बोले, एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ द्वारिका की पूरी सेना रहेगी, और मेरा तो नियम है कि मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा तो दुर्योधन लपक करके बोला, तो मुझे अपनी सेना दे दो, फिर बिना शस्त्र अस्त्र के आपकी क्या पूजा करेंगे हम लोग? एक सैनिक और वो भी बिना शस्त्र अस्त्र का, उससे बढ़िया तो ये असंख्य सैनिक मिलेंगे शस्त्र अस्त्र वाले, इनसे बढ़िया रहेगा। भगवान बोले, ले जाओ। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया, पूर्ण समर्पण का भाव। ये मैं बताना चाह रहा हूं, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे लिए तो वो नियम बनाया था ताकि तू तुरंत बोल देगा कि मुझको सेना दे दो तो तेरे को सेना मिल जाएगी और मैं दुर्योधन के पक्ष में चला जाऊंगा। तुम पांडव वैसे भी इतने बलवान नहीं हो, तुम्हारी तरफ मेरी सेना आती तो बढ़िया रहता, क्यों नहीं मांगी तुमने सेना? अब तो तुम्हारे पक्ष में मैं आऊंगा और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। अर्जुन मुस्कुराते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रभु आपके पास में समाचार ही गलत गया है कि मैं कुछ मांगने आया था, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, ना मैं आपको मांगने आया हूं, आपको रखने की सामर्थ्य नहीं है हमारे पास में। हमसे पूछो, सुबह उठो 6 बजे उठ करके नहा धो करके फिर उनको उठाओ। भगवान सारे काम हमारे बाद करते हैं, हम पहले नहाएंगे वो बाद में नहाएंगे, बस भोजन पहले करते हैं, भोजन हमको बाद में देंगे, पहले स्वयं कर लेंगे। तो अर्जुन बोला, आपकी सेवा करना साधारण तो है नहीं, सुबह उठाओ फिर नहलाओ धुलाओ, उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार करो, उसके बाद तुम्हें भोग पधराओ, फिर तुम्हारी आरती करो, इतनी झंझटें मैं नहीं रखता अपने पास, ना तो मैं तुमको मांगने आया हूं ना तुमसे कुछ मांगने आया हूं। भगवान बोले, तो फिर क्यों आए हो? अर्जुन कहता है, महाभारत का युद्ध मेरे सामने है, ये महाभारत का युद्ध मुझे निगल जाएगा प्रभु, मुझे कैसे युद्ध करना है मुझे नहीं पता, ना मैं आपसे कुछ मांगने आया ना मैं आपको मांगने आया। चरण पकड़ के कहता है अर्जुन, मैं अपने आप को आपको देने आया,